अगर दुनिया के सबसे मशहूर खेलों की बात की जाए और उसमें क्रिकेट का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ये खेल जितना ज़्यादा प्रचलित है इस खेल में उतना ही ज़्यादा पैसा भी है, और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी इस खेल से हर महीने करोड़ों रुपया कमाते हैं। और इस मोटी कमाई के चलते ही ये खिलाड़ी ना केवल महंगी महंगी गाड़ियों के शौक को पालते हैं, बल्कि इन खिलाड़ियों के पास इतने महंगे घर हैं कि इनकी कीमत सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो यह वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय खिलाड़ी सालाना कितनी मोटी रकम कमाते हैं। नंबर 10, सौरभ गांगुली प्लेस महाराजास वेहला प्लेस में भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली रहते हैं, और इस घर को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। बता दें किस खूबसूरत और आलीशान तालीस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ करीब करीब 40 कमरे, हर एक कमरा दिखने में किसी 5-स्टार होटल से भी ज़्यादा रॉयल है। इसी ऐसे आराम और थर्ड बात के चलते विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस पूर्व कप्तान के घर की कीमत आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। वैसे अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इस पूर्व भारतीय कप्तान यानी सौरभ गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी पुकारा जाता था। गांगुली यानी दादा के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इस घर के अलावा उनके पास और भी कई आलीशान घर हैं। नंबर 9, हार्दिक पांड्यास लग्जरियस विला। आपने इस भारतीय खिलाड़ी को चोट से उबरने के साथ साथ कई सारी मैच विनिंग पारियों खेलते हुए देखा होगा। पिछले कुछ सालों में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों की नींद उड़ाने के साथ साथ दर्शकों का भी दिल जीता है, और यही वजह है कि BCCI ने भी हार्दिक पर छप्पर फाड़ कर पैसे की बारिश की है, और इन्हीं पैसे से इन्होंने अपने लिए मुंबई जैसे शहर में एक आलीशान बंगला बनवाया है। जानकारी की माने तो जो बंगला करीब 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हार्दिक ने अपने इस बंगले में जिम भी बना रखा है, और एक खिलाड़ी आए दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बंगले की तस्वीरें भी डालता रहता है। इसके साथ ही इसमें कई और भी तरह की सुविधाएं हैं जो बंगले को 11 करोड़ की कीमत के पार पहुंचाते हैं। नंबर 8, रविंद्र जडेजा। बंगलौर क्रिकेट फील्ड में आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी है जो रविंद्र जडेजा की तरह एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज की भूमिका निभा सकता है। अपने शानदार प्रदर्शन के चलते इस खिलाड़ी ने न केवल चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, बल्कि लंबे समय से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई हुई है। जाहिर है जिस वजह से पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक मोटी रकम भी कमाई है, अब ऐसा हम इसके आलीशान आसियानों के दम पर कह रहे हैं। दरअसल गुजरात का रहने वाला ये खिलाड़ी आज 4 मंजिला इमारत वाले घर में रहता है, जिसमें अलग अलग सुविधाओं के साथ साथ करीब 30 कमरे कमाल के हैं। ना रॉयल्टी और कंफर्ट वाले इन केस बंगलों की कीमत 14 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग देखने लायक है। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम से घर में रहने वाले रविंद्र जडेजा किस मुकाम पर हैं। एक समय पर जहां इनके पापा रिक्शा चलाते द, वहीं आज अपने हुनर के दम पर यह सब कुछ एफर्ट कर सकते हैं। नंबर 7, सुनील गावस्कर। इस प्रवाह विला अपने भले ही इस दिग्गज खिलाड़ी को ज़्यादातर समय कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का हाल बताते हुए या किसी विशेषज्ञ की तरह काम करते हुए देखा होगा, पर बता दें कि एक समय पर इनकी पॉपुलैरिटी भी सचिन और विराट जैसी ही रही है। सुनील काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने समय में मोटी रकम भी कमाई है। इस खिलाड़ी का शानदार विला जो आज गोवा में है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है। इस घर में एक्सरसाइज करने के लिए जिम के साथ साथ एक बड़े से स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। साथ ही आप भगत वाले नौकर चाकर के साथ घर में एक बड़ी सी पार्किंग भी है। इतना ही नहीं, इस घर में डांस बार जैसी सुविधाएं भी हैं। ऐसी टॉप क्लास फैसिलिटीज़ और विला की खूबसूरती
के चलते ही आज इस महान खिलाड़ी के घर की कीमत 21 करोड़ के करीब बाकी मानी जाती है। नंबर 6, सिद्धू। आप सिद्धू जिस तरह से अपनी बातों से दुश्मनों से छुड़ा देते हैं, उसी तरह एक समय ऐसा भी था जब इस खिलाड़ी के सामने कोई भी गेंदबाज गेंद डालने से भी डरता था। सिद्धू की इसी लोकप्रियता के चलते ही इन्होंने क्रिकेट जगत में मोटी कमाई भी की है, और अगर उनकी कमाई का अंदाज़ा लगाना है तो आप उनके आलीशान घर को भी देख कर खुद ही बोल देंगे कि वह घर को तो ऐसा वैसे। सिद्धू ने 2014 के करीब अपना घर बनाने की शुरुआत की थी और 2017 में उनका घर बनकर तैयार हो गया था। बता दें कि आज उनके लग्जरियस घर में सिद्धू के घर में स्पा और जिम जैसे सुविधाएं हैं, और इन्हें सुविधाओं के चलते ही इनके घर की कीमत 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 5, रोहित शर्मा। हाउस। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के पद पर विराजमान रोहित शर्मा ने मैदान में जितने चौके के जड़े उतने ही धन वर्षा भी उनके बैंक अकाउंट पर हुई है। तभी तो उनके घर खरीदने के सपने को उन्होंने भी हकीकत बनाई ही लिया है। और अभी हाल ही में इस खिलाड़ी ने मुंबई के वर्ली नाम के इलाके में एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा है। इस अपार्टमेंट में इस बार के साथ साथ स्विमिंग पूल और जिम जैसे सुविधाएं हैं। इस घर को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ की बालकनी से खड़े होकर देखने पर अरेबियन सी का 270 डिग्री का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है, और इन्हीं कर्म के चलते अंदाज़ा लगाया जा सकता है आज के वक्त रोहित के इस घर की कीमत 30 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 4, विराट कोहली हाउस। विराट कोहली ने क्रिकेट से एक मोटी रकम कमाई है, और इस मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आलीशान घर लेने में भी निवेश किया है। यही वजह है कि आज विराट ने मुंबई के वर्दी आई में ओमकार टावर के फ्लोर पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट लिया है। विराट के पास मुंबई के साथ साथ हरियाणा में भी एक आलीशान घर है, और माना जा रहा है कि इस घर की कीमत 80 करोड़ के करीब है। वैसे आपको लग सकता है कि इस खिलाड़ी का घर तो दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में काफ़ी महंगा है। ऐसे में बता दें कि विराट पिछले कई सालों से दुनिया की हाईएस्ट स्पीड एथलीट की लिस्ट में शामिल रहे हैं, और इसके अलावा विराट खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं। जाहिर है इतनी ज़्यादा कमाई के चलते ही विराट अलग अलग शहरों में महंगे घर ले पाए हैं। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर हाउस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सुलझे हुए स्वभाव के चलते उन्हें क्रिकेट के भगवान का भी खिताब दिया जा चुका है, पर यह भगवान मंदिर में नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा में रहता है, और जो घर इनका आशियाना है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस में कुल 5 फ्लोर्स हैं, इसमें से ऊपर के 2 फ्लोर्स तो इस खिलाड़ी के परिवार के लिए हैं, और बाकी बची हुई जगह मेहमान के लिए रखी गई है। सचिन के घर में अलग अलग तरह की सुविधाओं के साथ साथ एक बड़ी सी पार्किंग की भी व्यवस्था है, और यही वजह है कि आज के वक्त इस बंगले की कीमत 40 से 45 करोड़ के बीच आगे गई है। वैसे क्या आपने कभी भारत के इस मशहूर खिलाड़ी का घर देखा है? अगर हाँ तो हमें इस बारे में कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नंबर 2, MS धोनी हाउस। जहाँ दुनिया के मशहूर क्रिकेटर सीधे तौर पर घर या अपार्टमेंट को खरीदने में विश्वास रखते हैं, वहीं धोनी बाकियों से अटकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये खिलाड़ी रांची के जिस घर में रहता है उसका नक्शा खुद धोनी ने ही तैयार किया है। बता दें कैसे घर में बड़ा सा लोन होने के साथ साथ स्विमिंग पूल के अलावा कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसे देखकर आपको भी लगने लगेगा कि ये घर नहीं बल्कि कोई 5-स्टार होटल है। और धोनी के द्वारा रांची में बनाए गए इस घर की कीमत आज 40 करोड़ के करीब है, पर एक सच्चाई यह भी है कि अगर यही घर किसी बड़े शहर में होता तो इस घर की कीमत 100 करोड़ के करीब पहुंच जाते। खैर इतना तो साफ है कि जिस तरह माही का शांत दिमाग मैदान के अंदर चलता था, उसी तरह उनका दिमाग मैदान के बाहर भी चलता है। धोनी कोई प्रोफेसर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं है। नंबर 1, युवराज सिंह हाउस। मैदान के भीतर अपने बल्ले
के दम पर दिखने वाले युवराज ने अपने पूरे करियर में एक अच्छी खासी कमाई की है। अपोजिट टीम के छक्के छुड़ाने के साथ साथ आज इनकी लवसिंग लाइफ, लग्जरियस लाइफ और टॉप क्लास हाउस कई क्रिकेटर्स को भी परिसर देता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खिलाड़ी के पास 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ घर है, जो किसी शाही महल से कम नहीं नज़र आता है। करीब 25 कमरों के साथ साथ यह घर इतना बड़ा है कि आप यहाँ घूमते घूमते थक जाएंगे। इसके अलावा घर में लिफ्ट, पार्किंग, लॉट, स्पा और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब इतनी सारे फीचर्स हैं तो घर की मार्केट वैल्यू भी 70 करोड़ से कम नहीं। इतना ही नहीं, युवराज के पास मुंबई के भी पॉश एरिया में एक बड़ा सा फ्लैट है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवराज की ज़िंदगी कितना ज़्यादा आलीशान है। तो या भारत के 10 क्रिकेटर्स हैं जो मैदान में जीत और मेहनत करते हैं और रॉयल कंफर्टेबल घर में अपनी थकान मिटाते हैं। अब आपको इनमें से किस क्रिकेटर के घर ने लुभाया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।